अखिल भारतीय डाक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण एसोसिएशन का द्वितीय द्विवार्षिक सम्मेलन मधुबनी प्रधान डाकघर के समीप संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएन मीना साहब थे, जो राजस्थान से चलकर इस कार्यक्रम में भाग लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने क्या क्या कहे हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देगी सरकार, नहीं देगी क्या नहीं देगी, ये कुछ उस डिसीजन में नहीं आया, लेकिन उसमें था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन सरकार नहीं देगी। इसी के लिए कुछ लोग क्यों नहीं देगी, तो जो केस था ओरिजिनल इंदिरा सहानी वाला, उसमें ये डिसीजन था कि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी का वो एडिक्वेट नहीं है। उसके लिए आपको आपके डाटा देना पड़ेगा। अगर डाटा के द्वारा आप साबित करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, तभी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को कंटिन्यू करा सकते हैं। अब सरकार ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आप सरकार को निर्देश दीजिए, अगर उसके पास डाटा नहीं है तो डाटा कलेक्ट करें। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चले गए कि ये हाईकोर्ट नहीं कर सकती है, सरकार को ये निर्देश नहीं कर सकते हैं कि आप इस डाटा को कलेक्ट करिए। एक तो डिसीजन आप देते हैं कि भाई बिना डाटा के आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, दूसरा एक डिसीजन आता है कि आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि वो डाटा कलेक्ट करे, तो फिर सरकार किससे काम करेगी, किसके कहने पर काम करेगी। यही पे हमारा एसोसिएशन का रोल आता है, आपको एक प्रेशर ग्रुप बना के रखना पड़ेगा। और ये एसोसिएशन जो होता है सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप होता है, और अपनी बात को डाटा और फिगर के साथ सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए हमें जरूरत है कि जितने भी हम लोग संघ में लोग हैं मिल के काम करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जहां एक दो डिवीजन में था, आज राकेश जी बता रहे थे कि 16-17 में बहुत अच्छा काम किया। आदित्य महाराजा जी ने भी मेरे साथ काम किया, हम इस तरह से सारे फिटी डिवीजन थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी। राकेश जी अलग जी फोटो पोस्ट करते थे, एक प्रेसिडेंट साहब के साथ इनका फोटो पोस्ट किए थे। आप समझिए, आप एसोसिएशन में हैं तभी तो आप वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो कौन आपको मंच देगा, कौन आपको बैठने के लिए देगा। वो जो रिजर्वेशन नहीं दे रही है, बारे में एक डिसीजन दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देगी सरकार, नहीं देगी क्या नहीं देगी, ये कुछ उस डिसीजन में नहीं आया, लेकिन उसमें था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन सरकार नहीं देगी। इसी के लिए कुछ लोग क्यों नहीं देगी, तो जो केस था ओरिजिनल इंदिरा सहानी वाला, उसमें ये डिसीजन था कि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी का वो एडिक्वेट नहीं है। उसके लिए आपको आपके डाटा देना पड़ेगा। अगर डाटा के द्वारा आप साबित करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, तभी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को कंटिन्यू करा सकते हैं। अब सरकार ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आप सरकार को निर्देश दीजिए, अगर उसके पास डाटा नहीं है तो डाटा कलेक्ट करें। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चले गए कि ये हाईकोर्ट नहीं कर सकती है, सरकार को ये निर्देश नहीं कर सकते हैं कि आप इस डाटा को कलेक्ट करिए। एक तो डिसीजन आप देते हैं कि भाई बिना डाटा के आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, दूसरा एक डिसीजन आता है कि आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि वो डाटा कलेक्ट करे, तो फिर सरकार किससे काम करेगी, किसके कहने पर काम करेगी। यही पे हमारा एसोसिएशन का रोल आता है, आपको एक प्रेशर ग्रुप बना के रखना पड़ेगा। और ये एसोसिएशन जो होता है सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप होता है, और अपनी बात को डाटा और फिगर के साथ सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए हमें जरूरत है कि जितने भी हम लोग संघ में लोग हैं मिल के काम करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जहां एक दो डिवीजन में था, आज राकेश जी बता रहे थे कि 16-17 में बहुत अच्छा काम किया। आदित्य महाराजा जी ने भी मेरे साथ काम किया, हम इस तरह से सारे फिटी डिवीजन थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी। राकेश जी अलग जी फोटो पोस्ट करते थे, एक प्रेसिडेंट साहब के साथ इनका फोटो पोस्ट किए थे। आप समझिए, आप एसोसिएशन में हैं तभी तो आप वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो कौन आपको मंच देगा, कौन आपको बैठने के लिए देगा। तीन तीन बच्चों की डेथ भी हो गई, उनको मैसेज भी नहीं दिया गया कि तेरे बच्चे की डेथ हो गई है, क्योंकि वो अपनी डिग्री छोड़ के बीच में आ सकते थे। तो ऐसी ऐसी बातें जिस आदमी ने करके और हमें वो सर्टिफिकेट लेके गए हैं, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पे हम आए हैं, तो क्या उस सर्टिफिकेट पे आधार पे आके क्या हम हमारे समाज की बात नहीं कर सकते, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, हम हमारे समाज की बात हम कर सकते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि बाबा साहब को जब जब कहा जाता था कि तू संविधान बना रहा है परंतु इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान मत कर, तो वो कहते थे आप बना लीजिए, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा तो मेरे समाज के आधार पे बनाऊंगा। जिन लोगों ने तुम्हारी गुलामियां की है वो गुलामी इसकी जंजीरें काटने की पूरी मैं कोशिश करूंगा अगर मैं रहूंगा तो।
परंतु समस्या ये थी कि उन जितना पढ़ा लिखा आदमी उन लोगों के पास नहीं था। जब जब वो कलम छोड़ देते थे तब तब फिर उनको से सरदार वल्लभ भाई पटेल वो सब मनाने के लिए आते थे कि बाबा साहब नहीं भाई अम्बेडकर तुम ऐसा करो ये करो वो करो, इस तरह से तो उनमें एक ताकत थी। और उन्होंने कहा भी है कई जगह, आप लोग दिन भर पढ़ते भी रहते हैं, कि शिक्षा शिक्षा तो एक वो शेरनी का दूध है, तो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें हमारे समाज को शिक्षित करने की जरूरत है, शिक्षित करने की। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ही हूँ, मेरे पे एग्जांपल देता हूँ, मैं तीन भाई हैं, तीन भाई अफसर बन गए, एक भाई नहीं बना, पर हम तीनों ने मुड़ के उस भाई को नहीं देखा। ये घर घर की कहानी है। हमारे लोगों को हम फिर छोड़ देते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा अफसर बन गया, अब ये मेरे समाज का नहीं, जैसा इन्होंने सही कहा कि दूसरा समाज बना लेते हैं, आईएसओ का समाज अलग हो गया, आईपीएसओ का अलग हो गया। और जब हम अगर शिक्षा शिक्षा पे जोर देंगे और हमारे जो बच्चियां हैं वो पढ़ेंगी आगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जैसे उन्होंने कहा भी है कि किसी भी समाज की अगर समीक्षा करनी होगी कितने लोग शिक्षित हैं, तो उस समाज की महिलाओं का आंकलन कर लीजिए कि महिलाएं कितनी शिक्षित हैं। आज भी यहाँ बहुत जोश जोश से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से दूसरे लोगों को इन्होंने महेश जी ने बुलाया भी है, इन जैसा आदमी भी शायद ही मिलेगा आपको। ये दिल से यानी कि हर कैटेगरी के लोगों को, हर समाज के लोगों को ये बुलाते हैं करते हैं, परंतु एक हमारे अंदर यहाँ आज भी कमी दिखाई दे रही है कि इतने लोगों के बीच में हमारी दो बहनें बैठी। जब तक ये बहन 50% तक नहीं आती है जब तक हम विकास नहीं कर सकते। अभी आपकी ये जो एसोसिएशन है ये मान के चलिए कि 2% काम कर रही है, अगर दो बहनें आई हैं तो अगली बार जब जब कोई बात हो, जब जब ऐसा प्रोग्राम हो, आप परिवार के साथ आइए, बेटी को लाइए, बेटे को लाइए, वाइफ को लाइए, अगर वो एम्प्लॉई है या नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे एक घर के अंदर शिक्षा एक माहौल बनेगा। कम से कम आपको ऐसी मीटिंग में आने के लिए बीबी टोकेगी तो नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसको पता है कि आज एसोसिएशन का प्रोग्राम है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, कोई दूसरे को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, एक रहेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहीं हम किसी पे एलिगेशन लगाने से भी काम नहीं चलता कि वो लोग हमें ऐसा नहीं मानते, वो हमसे ऐसा करवाना चाहते हैं या हमें ऐसा परेशान करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए हम सबको अपने आप को बदलना है, और यहाँ से जाने के बाद में हर आदमी, आज जो लोग नहीं आए हैं उन आदमियों के को आइडेंटिफाई करना, उनको मोटिवेट करना है, झगड़ा नहीं करना है, मोटिवेट करना है कि नेक्स्ट में तुम्हें चलना चाहिए, हमारे समाज का ये काम है। इसके अलावा एक छोटा सा सजेशन और देना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे राज्य इसकी बिहार सर्किल की जितने भी लोग एससी एसटी के हैं एक बुकलेट बनाइए, नाम, डेजिग्नेशन और उसके मोबाइल नंबर। उसके कई फायदे हैं। एसोसिएशन में तो आप जैसे किसी को कॉल करना चाहो डायरेक्टली वो टेलीफोन में देखते हैं, वो जमाना है अभी भी कि उसे देख करके हम कॉल कर सकते हैं। आप वैसे भी कहीं जाते हो, जैसे मान लो मैंने ले ली वो डायरेक्टली और मैं यहाँ से सीतामढ़ी जा रहा हूँ, अगर यहाँ तो महेश जी जानकार हैं पर वहाँ कोई जानकार नहीं है, तो किसी गांव में अगर गाड़ी भी खराब हुई खड़े हो गए तो देख ले उसके अंदर से कि यहाँ का पीपीएम कौन है, किस कैटेगरी का है, उसके मोबाइल नंबर क्या है। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। तो जुड़ने के लिए जैसा हमारे बॉस ने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक वो बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, शायद ग्रुप तो बना भी रखा होगा आप लोगों ने, और उसको बना लीजिए। परंतु ये टेलीफोन डायरेक्टरी घर में भी रहे तो भी कई बार काम आ जाती है, जब इच्छा हो आदमी फ्री होता है जब ये देखता है उससे बात कर लें। इसके अलावा जैसे एक छोटी सी बात आई कि हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं आते हैं जनरली, तो अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि सर वो कोई उनको प्रॉब्लम थी। ऐसे वक्त पे हमारे लोग बहुत बहादुर हैं, हमेशा लड़ाई लड़ी है, सैनिक कौन होते थे, हम लोग ही होते थे, जो जो नीचे के छोटे काम थे हम लोग ही करते थे, परंतु थोड़ी सी शिक्षा की वजह से वो नहीं हो पाता था। तो ऐसे मौके पे आप सब बैठे हैं, अगर कहीं नहीं जा पाते किसी भी परिस्थिति में तो आप एक मैसेज भेज दीजिए, और जब बात आती है अनाउंसर को कहिए कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज के प्रोग्राम के लिए बधाई दी है और मैं इस कारण नहीं आ सकता। अब देखिए कई बड़े बड़े नेताओं की डेथ हो जाती है, सारे थोड़ी जाते हैं बैठने के लिए, बधाइयां दे मतलब उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं कि ये खो दिया हमने, वो खो दिया, वो पाया, शादी होती है तो भी। तो ऐसा एक एटमोसफेयर आप डेवलप कीजिए। थोड़ी देर पहले अब शायद मेरे को लग रहा है कि मेरे को टोके लिए कि साहब बैठ जाइए, क्योंकि डायरेक्टर पीटीसी की पोस्ट भी ऐसी है, दिन भर वक्त करते रहो, बोलते रहो 10 घंटे तक,
वो आदत भी ऐसी है। इसके आगे मैं आपको कहूंगा, अभी मंत्री महोदय हमारे पास यहाँ आए थे तो जैसे पहले भी एक बार हम मिले थे, देखते उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने पूछा धीरे से मेरे से कि एक अमृतलाल जी यहाँ जानते हो? हाँ मीना जानते हैं। मीना हमारी कास्ट में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप जाके कह दो साहब मैं ऐसी का एस टी का हूँ ऐसी बात है तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट करेंगे, तो वो शायद पूछ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको आपसे मेरे को बहुत उम्मीद है कि क्या, मैंने कहा सर ये एसोसिएशन हमने बनाई है, ये कोई यूनियन नहीं है, ये वेलफेयर वाली बात है। तो देखिए इसका उद्गम यहीं से हुआ है और हम सौभाग्यशाली हैं कि मंत्री जी भी यहीं के हैं, और इससे और ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आप भी मंत्री हैं और आप मधुबनी भी हैं। तो सर एक छोटा सा काम कर दीजिए, हम एक छोटा सा एजेंडा बना के आप देंगे, आप हमारे 5 आदमियों के साथ में मंत्री जी के पास चलिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, जो बीएमएस को नेशनल यूनियन फेडरेशन यूनियन को जो फैसिलिटीज हैं वो हमें दे दीजिए, हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि कई जगह ऐसे टेलीफोन आते हैं सर बिहार में तो राकेश जी के तरफ से स्पेशल सीएल दे दी, परंतु यहाँ नियम बता दिए, नियम की कॉपी लगा के भेज दी कि आपको स्पेशल सीएल नहीं मिलेगी। तो सर एक रूपता हो जाए, जो दो यूनियनों को आपने दे रखा है हमारे को आप दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्री भी किया कि ठीक है, मेरे नंबर भी लिए कि मैं आपसे बात करूंगा, फिर आप इन लोगों से बात करना जो जो वो दे सकते हैं। तो हमें ये करना है, मैं मन से ये गुजारिश करूंगा कि जो दूसरी ट्रेड यूनियन को जो फैसिलिटी है उसकी एक लिस्ट बनाए और उसमें अपन डिस्कशन करें कि उसमें से हमें कितनी फैसिलिटी हमें मिली हुई है और कितनी नहीं मिली हुई है। वो एक बहुत अच्छा मौका है आप मंत्री जी के साथ में।